ये देखिए, मैंने वो बाउंड्री लाइन जो लेग साइड पे ना, वहाँ पे एक मैदान के बाहर छक्का मारा था। अब वो तब जब छक्का मारा था मैंने इस मैदान में आईपीएल में, वहाँ पे वो मैदान इतना ऊपर था नहीं, लेकिन अब जो नया स्टेडियम बनेगा वो बहुत बड़ा बनेगा, तो छक्का मारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये जितना भी उड़ीसा के जो फैंस है, क्रिकेटिंग फैंस को स्टेडियम में आने वाले 3 साल के बाद जो वो बन जाएगा तो बड़ा मजा आएगा। दूसरी बात, यहाँ पे आके जो मैंने स्टेज पे बात की उसमें मैं पूरा यकीन रखता हूँ कि जो उड़ीसा क्रिकेट एसोसिएशन ने यहाँ की गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो विजन बनाया है स्पोर्ट्स के लिए, वो मुझे लगता है आने वाले सालों में उड़ीसा के बहुत सारे खिलाड़ियों को, चाहे वो क्रिकेट में हो या दूसरे और स्पोर्ट्स में हो, बहुत ऊपर तक लेके जाएगा। और मेरी मुबारकबाद प्रेसिडेंट साहब को, सेक्रेटरी साहब को। इस तरह का बाराबंकी स्टेडियम को आप देखना चाहेंगे, जो आप बोले 5 साल में इंतजार करता, कोई नया पीढ़ी आएंगे आगे? मैंने क्रिकेटर की बात, जो क्रिकेटर है या स्पोर्ट्समैन है, अगर आप फैसिलिटीज अच्छी बना देते, जो विजन है उड़ीसा क्रिकेट एसोसिएशन का, अब वो विजन में अगर आप इतना बड़ा विजन में जब आप हर एक डिस्ट्रिक्ट में सबको खिलाते हो। पहले जो मैं एक जम्मू कश्मीर क्रिकेट में 2 साल इन्वॉल्व था एज ए मेंटोर, वहां पे मैंने यही देखा था कि डिस्ट्रिक्ट के बच्चों के पास बहुत भूख है खेलने के लिए, और वहां पे आप उनको प्लेटफॉर्म दे दोगे तो लड़के बहुत आगे आएंगे। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि टैलेंट है, लेकिन आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी अगर आ जाएगा जिस तरह से अभी आने वाला, बहुत फायदा होगा आप सबको। देखिए वो जुरेल का तो मैं दीवाना हो गया हूँ, क्योंकि जुरेल ने जिस तरह से मैच जिताया अपने दूसरी टेस्ट मैच में, ये हर कोई आके नहीं कर पाता, और मुश्किल समय में आके मैच जिताया, तो उनको उनकी फैमिली को मुबारकबाद, और मुझे लगता है कि भारत को एक हीरा मिला है। थैंक यू सो मच। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।